इस क्वेश्चन में हमारा एक कंपाउंड दिया गया है। इस कंपाउंड में जब कैनेजारो रिएक्शन होगा तो हमें बताना है जो प्रोडक्ट है वो क्या फॉर्म होगा। ठीक है, हम देखते हैं हमारा कंपाउंड जो है वो कुछ इस तरह से है। ये बेंजीन रिंग है, इस पे COCHO। ठीक है, अब हमें पता है कैनेजारो रिएक्शन में जो आपका बेस होता है वो OH होता है जो रिएक्ट करेगा। OH आपका न्यूक्लियोफाइल है। ठीक है, न्यूक्लियोफाइल ये प्रिफर करता है इलेक्ट्रोफिलिक साइड। ठीक है, जहां आपकी जो है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी। ठीक है, इसमें अगर हम देखें तो इस पे चार्ज कुछ इस तरह डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। एक मिनट, सॉरी, ये जा रहा है कुछ ऐसे, ये इसका यहाँ की तरफ जाएगा और ये ऐसे जाएगा, तो ये बन जाता है डबल बॉन्ड ओ नेगेटिव COOH। ठीक है, यानी कि अगर आप देखें तो दो कार्बन के बीच में हमारा ये जो है इधर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी काफी हाई है, तो आपका जो OH नेगेटिव है वो यहाँ पे एक्ट करेगा, वो एल्डिहाइड वाले कार्बन पे अटैक करेगा, तो ये कुछ ऐसे होगा। ठीक है, यहाँ एक्ट होगा, तो ये जो आपका प्रोडक्ट बनेगा वो कुछ इस तरह से बनेगा। ये बन जाएगा COC, ये अटैक करेगा, ये ऊपर जाएगा, यानी कि ये बन जाएगा CO- OH और H। इसके बाद इसमें क्या होगा, ये जो आपका अगर आप देखें यहाँ डबल बॉन्ड ऐसे रिवर्ट होके ऊपर नेगेटिव चार्ज चला जाएगा, ये बन जाएगा कुछ ऐसे CO-, CO-, OH, H। इधर पॉजिटिव चार्ज आएगा, H इधर अटैक करेगा। ठीक है, और जो ही अटैक ये करेगा तो यहाँ इसका नेगेटिव चार्ज नीचे आ जाएगा, यानी ये बन जाएगा कुछ ऐसे, ये बन जाएगा CO- H C डबल बॉन्ड OH। ठीक है, यहाँ आपका जो है प्रोटॉन ट्रांसफर होगा, प्रोटॉन ट्रांसफर होगा, और प्रोटॉन ट्रांसफर के बाद प्रोडक्ट क्या आएगा वो होगा ये CH, ये आ जाएगा H पॉजिटिव इधर, और ये बन जाएगा C डबल बॉन्ड O-, ये आपका फाइनल प्रोडक्ट आ जाएगा, या इसको हम लिख सकते हैं फिनाइल रिंग CHOH CO2-। ये आपका फाइनल प्रोडक्ट आ गया कैनेजारो रिएक्शन का।